सावन के पहले सोमवार को साक्षात शिव के दर्शन। शहर के हंडी महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव के प्रतीक नागराज ने भक्तों को दर्शन दिए। बताया गया कि हंडी महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने आए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी, तभी वहां मौजूद एक दर्शनार्थी ने मंदिर के परिसर में सर्प दिखने की सूचना दी। वहां मौजूद भक्तों ने साक्षात दर्शन किए, बाद में जिससे मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने वन विभाग की एनिमल रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई, जिस पर विभाग कर्मी कुलदीप सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने उसके कोबरा सर्प होने की पुष्टि की, उसके बाद उसे रेस्क्यू कर लिया गया। सावन का पहला सोमवार और भीलवाड़ा की मंदिर का मुझे ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है। हंडी महादेव मंदिर है, फेमस है और महादेव जी की कृपा रहती है, इसलिए आज फेमस है। तो यहाँ पे कोबरे की कॉल फोन पे सूचना थी कि एक सांप यहाँ दिखाई दे रहा है। महादेव जी वैसा वहाँ परिचित भी है, मित्र भी, तो इन्होंने फ़ोन किया था कि यार सांप की एक हल्की सी पूंछ दिखाई दी है। उस पर यहाँ कंफर्मेशन के लिए स्टाफ पास में ही था, हमारे हंडी चौकी है, तो यहाँ से स्टाफ आया, उन्होंने कंफर्मेशन किया कि सांप है। इस पर मैं तुरंत कोई रेस्क्यू कर रहा था, यहाँ पे आया हूँ। यहाँ आने के बाद इस कोबरा को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया है और मंदिर परिसर के अंदर। तो ये हमारे रीजन से देखो तो केवल एक सांप है, लेकिन धार्मिक भावनाओं से देखोगे तो ये एक अद्भुत नज़ारा था। तो इस अद्भुत नज़ारे का यहाँ आज दर्शन हुए हैं, तो ये एक मौके की बात है कि रोज ही सांप तो रेस्क्यू होते ही हैं सीजन में, बट जगह और प्लस कुछ मायने रखते हैं। कभी कभी जैसे अब त्यौहार के दिन है तो हिंदू, मैं भी एक हिंदू और हिंदू भावनाएं होती है, तो वो है। बाकी एक स्नेक है, हाईली वेनम स्नेक कोबरा है, जिसकी एक बूंद वेनम से 20 से 25 व्यस्क आदमियों की मौत हो सकती है अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले। कभी भी ऐसा हो तो तुरंत आपको स्नेक बाइट पर हॉस्पिटल जाना है। आज पहला सोमवार है और भक्तों की भीड़ फुल है, तो हमने क्या बाहरी व्यवस्था की है, सैनिटाइज से लगा के बिना मास्क के कोई प्रवेश नहीं करें, और एक एक भक्त को यहाँ से एक एक लोटा जल चढ़ा करके और हमने बाहर निकालने की व्यवस्था की है। अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि भाई अंदर वो थे हमारे गार्ड, उनको पता चला कि भाई यार यहाँ सांप कुछ सांप जैसा कुछ लग रहा है, पूंछ दिख रही है, तो हमने तुरंत कुलदीप जी को फ़ोन किया और उनको बुलाया और उन्होंने भी रेस्क्यू किया। अब कह रहे भाई ब्लैक कोबरा है, सांप तो हो सकता है, हम तो खुश हैं कि भाई कम से कम आज भोलेनाथ के पहले सोमवार के दिन अगर नाग देवता निकले हैं तो ये अपने सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आस्था बढ़ेगी लोगों की और भीड़ को तो हम कंट्रोल करने के लिए बैठे ही हैं। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।